हेलो फ्रेंड्स, आज हम दिखाएंगे वीवो V9 का स्क्रीन पैटर्न कैसे रिमूव करता है, कोई भी स्क्रीन लॉक हो कैसे रिमूव करता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आप मोबाइल पूरा खोल लीजिए, फिर आप देख सकते हैं ये जो बैटरी है, बैटरी को मैं रिमूव कर लेता हूँ। बैटरी के बाजू में नंबर 1 नंबर 2 इस साइड को छोड़ के ये दोनों को शॉर्ट करके आपको USB केबल को प्लग इन करना है। तो चलिए मैं फटाफट से कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने ये जो दोनों पॉइंट है, एक नंबर और दो नंबर, इस ये दोनों को मैंने शॉर्ट किया। शॉर्ट करने के बाद ये दोनों को मैंने शॉर्ट किया, फिर USB केबल को इसको पकड़ के रखना है आपको। कोई भी 2Z से पकड़ के आपको ये दोनों रखना है और USB प्लग को आपको डालना है, वो पकड़ के डालना है, ठीक है। तब आपका कंप्यूटर से क्वालकॉम का USB डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा। मैं फिर ले जाता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन में। चलिए देखिए दोस्तों, मैंने आ गया कंप्यूटर डेस्कटॉप लैपटॉप का स्क्रीन में। तो इधर है मिरेकल 2.82 वर्सन, ये क्रैक वर्सन है, विदाउट बॉक्स में चलता है, ठीक है। तो मैं ओपन कर लेता हूँ दोस्तों। देखिए ये ओपन हो गया, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको पहले MTK में रहता है ये सेटिंग, तो मैं क्वालकॉम में जाऊँगा। क्वालकॉम में जाने के बाद इधर जो पोर्ट है ना, इधर पोर्ट को मैंने, ये जो क्वालकॉम है क्वालकॉम में रहना दीजिए, ठीक है। फिर मैं इधर आऊँगा, सॉरी आपको फ्लैशिंग में आना है, रीड फॉर्मेटिंग फ्लैश, ये ऑप्शन में आपको आना है, ठीक है। फिर आपको ये जो इधर इधर टिक मारा रहेगा, ठीक है, ऐसा रहेगा, तो आपको ये रिमूव करना है। फिर आपको ये जो है ना, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक फाइल में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, वीवो V9 का, तो आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो डाउनलोड करने के बाद आप देख सकते हैं वीवो V9 का मेरा फाइल है, वीवो V9 का एक फाइल है, ठीक है। इधर को उसने, इधर जाने के बाद ये जो देखिए नीचे जो है, इसमें ऑल फाइल करने का, ऑल फाइल हो जाएगा। फिर इसको आपको डबल क्लिक करके सिलेक्ट करने का, ठीक है। फिर आपको ये जो स्टार्ट बटन है, इसमें आपको क्लिक करने का, स्टार्ट बटन में मैंने क्लिक कर दिया। तब देखिए चालू हो गया फ्लैशिंग। फ्लैश करना चालू हो गया दोस्तों। हो गया, फिर आपको दूसरा स्टेप करना है, ठीक है। तो मेरा डन हो गया, तो आप अभी क्या करना पड़ेगा, आपको जो मोबाइल में जो USB केबल है उसको आपको हटाना पड़ेगा, फिर से दोबारा से रिकनेक्ट करना पड़ेगा। फिर से वही फॉर्मूला यूज़ कर दीजिए, वो शॉर्ट करके रखिए, फिर USB को कनेक्ट कीजिए। तो मैं कनेक्ट कर लेता हूँ पहले दोस्तों। आप देख सकते हैं इधर जो मेरा जो पोर्ट है वो चला गया था, ठीक है। तो मैं इधर पोर्ट में सर्च करता हूँ, देखिए क्वालकॉम आ गया, ठीक है। आपको फिर इधर जाना पड़ेगा, ये जो ऑप्शन है ना लास्ट में, इधर जाने के बाद आपको ये जो है ना, रिमूव अकाउंट लॉक, ठीक है, रिमूव अकाउंट लॉक, इसमें क्या रहेगा, आपका जो जीमेल है, जीमेल ID है, वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो मैं फिर से स्टार्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो देख सकते हैं मेरा और जो फ्लैशिंग है वो चालू हो गया। तो ये 100% रियल वीडियो है दोस्तों, आप यूज़ कर दीजिए। फिर आपका नहीं होगा तो मेरा कमेंट में मेरे को गाली दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 100% वर्किंग है, देख सकते हैं हो रहा है, रिमूव अकाउंट लॉक फॉर्मेटिंग हो गया मेरा, डन हो गया। तो हमारा जो काम है कंप्लीट हो गया। तो हम क्या करेंगे, अभी मोबाइल USB को हम लोग
रिमूव करेंगे, ठीक है। फिर बैटरी को लगाएंगे, बैटरी लगा दिया, फिर हम लोग सेट को ऑन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सेट को ऑन कर लेते हैं। सॉरी दोस्तों, देखिए ऑन हो गया, हमारा जो मोबाइल है ऑन हो गया, देख सकते हैं आप। देखिए क्लियर डेटा हो रहा है, हो गया। सॉरी दोस्तों, थोड़ा बुखार हो गया। तो मैं पूरी वीडियो आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आपको लगता है हम लोग जो वीडियो बनाता है वो फेक है, ठीक है। तो ये कोई फेक वीडियो नहीं है, रियल वीडियो है। और ज़रूर से हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर से मैं रियल एक वीडियो लेकर आपके सामने लाऊंगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा जो मोबाइल है वो ऑन हो रहा है, तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ वीडियो को। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा जो मोबाइल है वो सेटअप हो गया। तो अभी चार्ज कम है मोबाइल में, तो हम लोग अभी सेटअप कर लेते हैं। नेक्स्ट, आपको स्किप करके जाना है, इधर स्किप। फाइनली मेरा जो मोबाइल है वो सक्सेसफुल पैटर्न पासवर्ड स्क्रीन लॉक रिमूव हो गया। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट शेयर कर दीजिए, और मेरा जो ये जो दोनों फाइल का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। आपका कोई भी सवाल हो तो मुझको कमेंट करके आप जरूर से बताइए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।